नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के साथ एक इतिहास जुड़ गया है। आर्या राजेंद्रन नामक एक लड़की तिरुवनंतपुरम में देश की सबसे युवा मेयर बनने जा रही हैं। सीपीएम ने अपने इस युवा नेता पर विश्वास जताया है। आर्या राजेंद्रन को मेयर नियुक्त करने का फैसला सीपीएम जिला सचिवालय ने लिया। उन्हें हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में मुदवन मुगल से वार्ड काउंसलर चुना गया था। इन चुनावों में सीपीएम की ओर से आर्या सबसे युवा प्रत्याशी थी। देश की सबसे युवा मेयर बनने जा रही आर्या फिलहाल बीएससी की छात्रा हैं। वो तिरुवनंतपुरम के ऑल सेंट्स कॉलेज से पढ़ाई कर रही हैं। राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहने वाली आर्या स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की राज समिति की सदस्य हैं। आर्या ने उम्मीद जताई है कि इस फैसले से उनकी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा और राजनीतिक कार्य और पढ़ाई साथ साथ चलते रहेंगे। आर्या ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दिया है और वो उसे अच्छी तरह से निभाएंगी। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य फोकस महिलाओं से जुड़े मुद्दे और विकास से संबंधित दूसरे काम होंगे। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि जीतने पर वो लोअर प्राइमरी स्कूलों को बेहतर बनाने के साथ साथ चल रहे बाकी विकास कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देंगी। आर्या के लिए मेयर की कुर्सी भले ही नहीं हो, लेकिन राजनीति से उनका गहरा नाता रहा है। आर्या 6 साल की उम्र में ही पार्टी से जुड़े बच्चों के संगठन बाला संगम की सदस्य बन गई थीं। आर्या राजेंद्रन एक मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं। आर्या के पिता राजेंद्रन एक इलेक्ट्रीशियन हैं, जहां मां श्रीलता राजेंद्रन LIC की एजेंट हैं। बता दें कि 100 सदस्यीय कॉरपोरेशन परिषद में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक फंड की 52 सीटें हैं और विपक्षी पार्टी BJP के पास 25 सीटें हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।